गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, माई सेल्फ रुचि गुप्ता फ्रॉम हैप्पी कैमरे स्कूल। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चैप्टर 9 है आपका ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टी। फर्स्ट उसमें ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है? ये ए बी सी इज अ ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इज ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री स्ट्रेट लाइन्स और एनी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लाइंग इन अ प्लेन कैन बी जॉइंट टू फॉर्म अ ट्रायंगल। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो आपके कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो एक ही लाइन पे होते हैं, लेकिन जो ये पॉइंट्स हैं ए बी सी, बी और सी तो एक लाइन पे हैं लेकिन ए एक लाइन पर नहीं है, ठीक है? तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं एंड दे फॉर्म अ ट्रायंगल। सेकेंड है आपका मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, अब मीडियन कैसे बनाते हैं? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, उसके वर्टेक्स से जब हम अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो बनते हैं आपके मीडियन। अब इसमें ए डी इज़ द मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स ए। ए डी, बी ई और सी एफ ये तीन मीडियन है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच कर रहे हैं ये। अब आता है आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है? एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। तीन वर्टेक्स हैं, इन तीन वर्टेक्स हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाया जो अपोजिट साइड पे आके मीट होता है। ये तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। नाउ बाइसेक्ट्स क्या हैं? ए बी सी डी इज अ ट्रायंगल। इसमें थ्री एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। जब इन तीनों एंगल का बाइसेक्ट कर देते हैं, यानी एक एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये इसका इन सेंटर बन जाते हैं, ए डी, बी ई एंड सी एफ, ठीक है? ये बाइसेक्ट ऑफ एंगल्स हैं। अब आपकी एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट होती है, इनको सिर्फ आपने समझना है ध्यान से, ठीक है? 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। एन आइसोसेलिस राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है, इट मींस एक एंगल आपका 90 डिग्री का है, हैज टू एक्यूट एंगल्स, वन ऑफ द टू एक्यूट एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल 180 डिग्री, राइट एंगल आपका 90 डिग्री का है, 180 में से एक राइट एंगल चला गया, बाकी बचा 90। ये आपके दो एक्यूट एंगल हैं, दो एक्यूट एंगल सेम है, 90 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 45 दोनों एक्यूट एंगल आ गए। 45 प्लस 45 प्लस 90 तीनों का सम करेंगे तो आता है 180। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड एमसीक्यू में, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में थ्री एक्यूट एंगल होते हैं, थ्री इक्वल एंगल्स होते हैं 60 डिग्री के, थ्री इक्वल साइड्स होती हैं, तो इसमें रॉन्ग क्या है? उसमें इट हैज़ टू एक्यूट एंगल्स एंड वन ऑब्ट्यूज, इक्विलेटर में ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होता। बी पार्ट इज योर आंसर। आपको फिगर गिवन है, इनमें से बताना है कौन सा ट्रू है। अब ट्रू कौन सा है? ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर, ठीक है, और ये इसका एडजेसेंट इंटीरियर, इन दोनों का सम 180 है। ये 180 में से 105 माइनस किया तो ये 75 आया, ठीक है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, 75 प्लस 25 100, हमने 180 में से 100 माइनस किया ये 80 आ गया। अब इन चारों में से ए सी ग्रेटर देन ए बी, ये ए सी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ए सी ग्रेटर है ए बी से, यस ये ट्रू है, बाकी ये तीनों आपके फॉल्स हैं। इस वाले फिगर में पूछा है स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होती है? जो आपका तीनों में से स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो स्मॉलेस्ट साइड होती है, ठीक है? पहले ये एंगल फाइंड आउट किया, 95 या 45, दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस किया 140, तीनों का सम 180, 180 में से 140 माइनस के 40 आ गया, ये सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है। स्मॉलेस्ट एंगल की अपोजिट साइड्स ए बी आपकी सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, बी पार्ट इज योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल गिवन है, एक्सटीरियर एंगल, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, एंड इट्स इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, ये इसका इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है, एंगल फॉर्म ए पेयर ऑफ, तो ये दोनों एंगल क्या बनते हैं? क्या ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है? नो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम तो 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट एंगल्स हैं, यस दोनों का सम 180 है। लीनियर पेयर है, यस दोनों का सम 180 है। बोथ बी एंड सी इज योर आंसर। फिलअप मैथ्स की बुक में ही कर लेना।
फर्स्ट फिलअप है आपका एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ सिक्स एलिमेंट्स. इक्विलेटरल ट्रायंगल में सिक्स एलिमेंट्स होते हैं, थ्री साइड्स होती हैं, थ्री एंगल्स होते हैं. इन अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल द सम ऑफ इट्स एक्यूट एंगल इज 90. फर्स्ट एमसीक्यू था आपका, सेम है. थर्ड है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. एक ट्रायंगल की दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है. फोर्थ फिलअप है इन एनी ट्रायंगल एंड डैश एन एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. यह आपकी प्रॉपर्टी है. इन अ राइट ट्रायंगल हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है. अ ट्रायंगल व्हिच वन एंगल इज एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट ट्रायंगल. जिसमें एक एक्यूट एंगल होता है उसे बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल. ट्रू फॉल्स है, ये भी मैथ्स की बुक में ही कर लेना. एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड्स. यस, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया है. सेकेंड है अ ट्रायंगल व्हिच टू साइड्स आर अनइक्वल उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं. फॉल्स, यहाँ पे थ्री साइड्स अनइक्वल होते हैं. इक्विलेटर में थ्री साइड्स इक्वल होती हैं. अ ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर राइट ट्रायंगल. फॉल्स, ऑल साइड्स इक्वल है, यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल आना था. फोर्थ है आपका अ ट्रायंगल व्हिच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, येस ट्रू. अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है, मोर देन 90 डिग्री है, तो वो आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है. नेक्स्ट है अ ट्रायंगल व्हिच ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूज. नो, ऑब्ट्यूज नहीं होता, वो एक्यूट होता है. फॉल्स. 12, 13, 15 इज एन एग्जाम्पल ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट. फॉल्स, इसको सॉल्व करके देखें तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है. द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180. यस ट्रू. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये भी ट्रू फॉल्स है, मैथ्स की बुक में ही कर लेना. वन ऑफ द एंगल्स इज 110 डिग्री. एक ट्रायंगल में एक आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है. यस, इज इट पॉसिबल. टू ऑफ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल. एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल यानी दो 90 से ज़्यादा एंगल नहीं हो सकते. नो. वन ऑफ द एंगल्स इन ए राइट एंगल. यस, एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का पॉसिबल है. ऑल एंगल्स इन राइट एंगल. तीनों के तीन एंगल 90 डिग्री क्यों? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ऑल एंगल्स आर ऑब्ट्यूज. सारे के सारे एंगल मोर देन 90 डिग्री? नो. ईच एंगल इज इक्वल टू 63 डिग्री. तीनों एंगल 63 की हो जाएंगे तो तीनों का सम 180 नहीं होगा. नो. क्वेश्चन नंबर फाइव में एक ट्रायंगल आपको गिवन है. इस ट्रायंगल से आपको एल्टीट्यूड बनानी है. एल्टीट्यूड यानी आपने तीन वर्टेक्स हैं, इन तीनों वर्टेक्स से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यानी 90 डिग्री का एंगल बनाना है. ठीक है, ए एल एल्टीट्यूड है ए से, बी एम एल्टीट्यूड है फ्रॉम बी वर्टेक्स, सी एन इज एल्टीट्यूड फ्रॉम सी वर्टेक्स, और ये तीनों आके ओ पे मिलते हैं एंड ओ इज ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. क्वेश्चन नंबर सिक्स अपनी मैथ्स की कॉपी में करना. पहले क्वेश्चन लिख लेना फिर आंसर लिख लेना. ट्रायंगल आपको गिवन है, इस ट्रायंगल को देख के आपको आंसर करने हैं. द कॉमन साइड कंटेनिंग एंगल बी और सी. ये एंगल बी है, एंगल सी है, इस पे कौन सी साइड लाई हो रही है? बी सी. ये क्वेश्चन है, देन आंसर. द एंगल कंटेनिंग साइड्स ए बी एंड बी सी. ए बी और बी सी में कौन सा एंगल बन रहा है आपका? एंगल बी. द वर्टेक्स एट एंगल सी. एंगल सी पे कौन सा वर्टेक्स है? सी वर्टेक्स है. द साइड अपोजिट टू द एंगल बी. एंगल बी की अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी. इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल ए सी एक्स. इस एंगल का इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल ए एंड एंगल बी. इंटीरियर एडजेसेंट एंगल टू बी बी सी वाई. इसके इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल कौन से बोले इसके? एंगल ए एंड एंगल बी. इंटीरियर एडजेसेंट एंगल ये वाला एंगल, एंगल ए सी बी एडजेसेंट है, ये वाला एंगल बनेगा इसका. ठीक है, एंगल ए सी बी ये वाला एंगल. ये क्वेश्चन लिखने हैं फिर ये इसके आंसर है मैथ्स की कॉपी में लिखने हैं. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर सेवन है. सेवन्थ क्वेश्चन में आपको थ्री साइड्स गिवन है. आपको बताना है कौन सा स्केलर ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है. जिसमें आपकी जिस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है. जिस ट्रायंगल में आपकी तीनों साइड अनइक्वल होती हैं स्केलर ट्रायंगल होता है. जिस ट्रायंगल की आपकी थ्री साइड्स इक्वल होती हैं वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है. सेवन्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट ऐसे करने हैं. एट्थ क्वेश्चन में आपने एंगल गिवन है. आपको एंगल को देख के आपको बताना है कौन सा ट्रायंगल है. जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है इट मींस वो राइट एंगल ट्रायंगल है. जिसमें तीनों एंगल
आपके लेस देन 90 डिग्री हैं, इट मीन्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. एक एंगल आपका मोर देन 90 डिग्री है, इट मीन्स वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है. ओके, थैंक यू.